हेलो, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल साइंस से। जनरल साइंस से हम कवर करेंगे फिजिक्स को। अच्छा, एक चीज़ और आपके लिए, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं। वो न्यू सीरीज़ है सुपर 25 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। ठीक है, डेली हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो 25 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब एसएससी में जो प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हम उनको कंपाइल करके 25 क्वेश्चन हर वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिलीवर करेंगे। और एक चीज़ और, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। प्लीज़ वहाँ से सभी की सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एसएससी का पेपर कभी भी आ सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, होप सो आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। ठीक है, दिवाली की छुट्टियाँ आपने भी मनाई, हमने भी मनाई, तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से जो कॉन्टेंट होगा वो रेगुलर होगा और जो भी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जनरल साइंस बेसिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है एसएससी से, क्योंकि यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको करना चाहिए। ठीक है ना, तो साइंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साइंस आपकी 10th तक ही पूछी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉन मेडिकल नहीं था, बीटेक नहीं थी, या इंजीनियरिंग नहीं करी, या बीएससी नहीं करी, तो आपको साइंस से कोई भी लिंक नहीं है। आपने 10th तक साइंस कर रखी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मेरे नोट्स हैं आप उसमें से और वीडियोज़ में से अच्छा खासा आप स्टडी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वर्ड है फिजिक्स वो बेसिकली लिया गया है ग्रीक वर्ड फिजिक्स से। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नेचर। ठीक है, और संस्कृत में इसको कहा जाता है बॉटेकी। बेसिकली देखिए, एक चीज़ नोट डाउन करने वाली ये है कि जो साइंस है वो हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली, जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो साइंस ही तो है। हम किसी को सुन रहे हैं, या आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी टेम्परेचर की, या समथिंग हम सेलेस्टियल बॉडी की बात करें, या ट्रांसफार्मर हमारे जो कॉलोनी में लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो बेसिकली क्या है, ये सारा साइंस है। ठीक है ना, तो चलिए बिल्कुल बारी बारी से हर चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ फिजिक्स की मेजर ब्रांचेस हैं जिसको हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट है अकॉस्टिक। अकॉस्टिक होता क्या है बेसिकली? अकॉस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल मैकेनिज्म वेव्स इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड्स, इंक्लूडिंग टॉपिक सच एज वाइब्रेशन, साउंड्स, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। बेसिकली जो हमारी साउंड्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी करें कि भाई उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? अकॉस्टिक। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। सेकेंडली देखिए एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? जब हम सेलेस्टियल जो बॉडीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी जो, या हम बात करें सेलेस्टियल बॉडीज़ होती कौन कौन सी हैं, जैसे आपका सन, मून, अर्थ, इनकी जो मूवमेंट होती है अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। गॉट इट। अब थर्ड वन है आपका एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स बेसिकली क्या होता है? ये अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें, कि आपने देखा होगा कि एक साइंटिस्ट थे डेल्टन भाई साहब ने एक थ्योरी दी थी कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन हालांकि इनकी थ्योरी को फेल कर दिया गया था रदरफोर्ड भाई साहब ने। उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि डेल्टन ने तो कह दिया था कि भी एटम से स्मॉलेस्ट है ही नहीं। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एग्जांपल लिया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, और वहाँ एटम से रेस पास करी, तो आपने देखा होगा कुछ रेस रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, कुछ रेस टकराने के बाद थोड़ा सा स्लाइटली उसने अपनी, मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली, और कुछ रेस आसानी से पास हो गई, है ना। तो ये मैं आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे डायग्राम के साथ कैसे रदरफोर्ड ने डेल्टन की थ्योरी को बिल्कुल बुरी तरह से फेल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या होती है? बायोफिजिक्स बेसिकली क्या है? अप्लाइज द अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ फिजिक्स स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक पर्सन थे कार्ल, इन्होंने एक, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक रन, टेम्परेचर, स्ट्रेस, ये क्या है? एक तरह की बायोफिजिक्स। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ क्रायोजेनिक्स की। क्रायोजेनिक्स बेसिकली क्या होता है? अगर हम बात करें स्टडी ऑफ मैटर इन वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपका फिजिक्स में आगे चैप्टर आएगा जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की।
जो कि इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वाले पार्ट में आपका कवर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, जिसमें बेसिकली रैपिडली चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा अच्छे से। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होते हैं, जो डील करते हैं मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, मतलब जो जैसे लिक्विड और गैसेस की जो मूवमेंट होती है बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से, सॉरी फ्लूइड डायनेमिक्स में अच्छे से इसको समझाया गया है, ठीक है। ये हमारी मतलब फिजिक्स में चैप्टर नहीं है, मतलब ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ्लूइड बताऊंगा अलग से और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स जो होते हैं डील विद बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम टू वेरियस फोर्सेस, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेट्रोलॉजी होती है जब हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैं बात करूं सबसे हाई मात्रा में हमारे जो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर की गैस है आर्गन 0.9%, और उसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। और देखिए वैसे तो आपको याद रखना है कि हमारी जो एटमोसफेयर है उसमें मेनली 10 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो हमारा एटमोसफेयर है वो हमारी अर्थ की आपको पता ही है, अर्थ की सराउंड में 4 लेयर्स होती हैं, और कौन सी लेयर में हमारा एटमोसफेयर बेसिकली बनता है, ट्रोपोस्फेयर में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और हाँ एक चीज़ और, जो हमारा बेसिकली एटमोसफेयर का जो स्टडी का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ ये मैं आपको अच्छे से बताऊँगा जब बायोलॉजी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, बायोलॉजी के बाद जो साइंस बच जाएगी उसमें मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्वेश्चन का आंसर, कि अगर हमारे मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एंड मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटमिक न्यूक्लियस एंड देयर रिएक्शंस। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल साइंस की। ऑप्टिकल साइंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है रैपिडली ऑप्टिकल फाइबर्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और 4G और 5G हमारे इंडिया में अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है। 4G तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हैं, 5G के ऊपर भी हमारा इंडिया वर्क कर ही रहा है, ठीक है। एंड ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली होती क्या है, ऑप्टिकल साइंस से रिलेट करती है, देखिए ये एक आपका जो हेयर होता है ना उसकी इक्वल होती है बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर। और एक बात बताइए कि एक हेयर से क्या आप सिग्नल पास कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो बिल्कुल आपकी हेयर के बराबर होती है, और इसमें क्या होता है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बिल्कुल आसानी से सिग्नल पास कर दिया जाता है। वो सिग्नल पास होता है लाइट की फॉर्म में, ठीक है। और जो लाइट की फॉर्म में सिग्नल पास होता है और एक ऑप्टिकल फाइबर में मैनी सिग्नल पास होता है, मतलब ये नहीं कि एक ही सिग्नल को आप पास कर रहे हो, काफ़ी सिग्नल को आप इंस्टेंटली पास कर सकते हो। और इसको पास करने का एक मेथड होता है क्रिटिकल एंगल के थ्रू सिग्नल को पास किया जाता है। डोंट वरी, ऑप्टिकल फाइबर वाला चैप्टर भी मैं आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा पार्ट करवाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है और ऑप्टिकल फाइबर के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है कि कैसे हम हीट रिलेट टू वर्क एंड एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती हैं कंपनीज़ में, है ना, जो बहुत बड़ी टर्बाइंस होती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हीट से मतलब एनर्जी जनरेट होती है और वो टर्बाइंस मूव करने लग जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स की मतलब मेन ब्रांचेसेस जो हमने अभी डिस्कस करी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए देखिए आपको ये याद रखना है कि उनकी थ्योरी क्या थी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप उनकी याद रखो कि उनकी कंट्री भी कहाँ से थी, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पर्सन थे जिनका नाम था आर्किमिडीज़। बेसिकली इन्होंने किस चीज़ की थ्योरी दी थी, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए बेसिकली क्या है, इन्होंने दो थ्योरी दी थी, प्रिंसिपल ऑफ ब्योंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ द लीवर, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक बचपन में या झूला देखा होगा, है ना, यहाँ पे कुछ बिल्कुल मिड में कुछ भारी सा लगा होता है और यहाँ पे एक बैठने का बना होता है, इधर बैठने का बना होता है,
एक पर्सन यहाँ बैठ जाता है, एक पर्सन यहाँ बैठ जाता है ना, तो आराम से वो झूले लेते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे मैं 50 kg वेट बांध दूँ और यहाँ पे भी 50 kg वेट बांध दूँ, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये कई बार तो क्या होगा कि इसको इधर खींच लेगी, मतलब ये नीचे हो जाएगा। अगर ये नीचे होगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। लीवर की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ये इधर घूमा तो ये लीवर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो बेसिकली ये जो थ्योरी थी ये दी थी एक्मिनिस ने, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, शायद उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि गली में हमारे मतलब जो कचरा उठाने आते हैं उनके पास एक पुल्ली होती है ना, वो कुछ इस तरह से बनी होती है पुल्ली। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, हम बस ओस्कर मिलना रह गया। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनी होती है वो, और यहाँ पे वो अपने मोड़े पे उसको मतलब मोड़ा होता है मतलब शोल्डर पे रखकर उसको खींचते हैं पुली को, है ना। इसमें लोड डाल दिया जाता है, मतलब कचरा वगैरह डाल दिया जाता है, सामान भर दिया जाता है। और ये बेसिकली क्या होता है, फुलक्रम, ठीक है। फुलक्रम बेसिकली व्हेन लीवर रोटेट्स, जो लीवर होता है वो रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ फुलक्रम। और ये क्या है, लोड, वेट टू बी मूव्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, एफर्ट। एफर्ट क्या है, जहाँ पे फोर्स अप्लाइड की जाती है, बेसिकली यहीं से तो खींचा जाता है। तो ये एग्जांपल है जो थ्योरी दी थी आर्किमिडीज ने, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड साइंटिस्ट या फिजिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने थ्योरी दी थी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है टू रिजिस्ट एनी चेंजेस। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बढ़िया देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना है इसका एग्जाम्पल को। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी, आपने कार या बस में ट्रैवल करा ही होगा, नॉर्मली सी बात है। आप कार में बैठे हो, है ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ड्राइंग के लिए बहुत बहुत खेद है। चलिए, तो कार में आप लोग बैठे हो, ठीक है, और मान लीजिए ये कार एकदम चल पड़ी, ठीक है। अब कार मोशन में है लेकिन आपकी बॉडी क्या है, वो तो रेस्ट में ही पड़ी है ना। मतलब कार चल पड़ी एकदम, कार मोशन में होगी और आपकी बॉडी आराम से रेस्ट में बैठी है, तो आपको धक्का किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, हाँ जी कैसे लगेगा, बिल्कुल पीछे की ओर, है ना। तो मतलब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, हमारी बॉडी को मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी चल रही है, आगे से एकदम कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो हमारी बॉडी भी मोशन में है और वो गाड़ी भी मोशन में है, गाड़ी तो रुक गई लेकिन हमारी बॉडी को रुकने के लिए टाइम लगता है, तो वो रिजिस्ट करती है, मतलब अपने जो चेंज ऑफ नेचर को रिजिस्ट करेगी, तो वो एकदम आगे की तरफ उसको धक्का लगेगा, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पर, मान लो ये तो एग्जांपल आप लोग भी कर सकते हो, एक ग्लास लेना, ठीक है, एक ग्लास के ऊपर एक पेपर रखना, ठीक है, पेपर के ऊपर रखना एक कॉइन, ठीक है, और उस जो मतलब पेपर है उसको जोर से खींचना, वो कॉइन जो होगा वो आपके पेपर के साथ नहीं आएगा, वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिजिस्ट कर रहा है, वो चेंज होना नहीं चाहता अपनी नेचर से, गॉट इट। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ आए होंगे। उसके बाद इसाक न्यूटन भाई साहब ने थ्योरी दी थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, नेक्स्ट फिजिक्स का लेक्चर ही मेरा लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। उसके बाद माइकल फैराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी दी थी, ये भी डिस्क्राइब होगा, ये भी फिजिक्स ही चैप्टर में है, डोंट वरी। उसके बाद हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और उसके बाद हमारे हैं रुडोल्फ हर्ट्ज ने थ्योरी दी थी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसके बाद जे सी बोस हैं, उन्होंने थ्योरी दी थी अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, ठीक है। और उसके बाद WC Roy इन्होंने थ्योरी दी थी एक्सरेज की, सॉरी। उसके बाद JJ Thomson, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने थ्योरी दी थी इलेक्ट्रॉन की, ये मैं आपको करवाऊँगा केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ये जितने भी हैं आपको सब सारे याद करने हैं, ऐसे नहीं है कि आप स्किप कर दो अपनी मर्जी से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेडी मैरी क्यूरी जो थी, उन्होंने रेडियम का आविष्कार करा था, डिस्कवरी ऑफ रेडियम हम सब लोग जानते हैं, और इनकी डेथ भी रेडियम जेल में रखने की वजह से हो गई थी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इनको 2 times नोबेल पुरस्कार मिला है, एक टाइम फिजिक्स में, एक टाइम केमिस्ट्री में। वाकई ये एक बहुत ही चौंकने वाली बात है कि एक पर्सन को केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिला है और एक पर्सन को
फिजिक्स में भी, तो याद रखना फिजिक्स में इनको मिला था 1903 में, ठीक है, और केम में, केमिस्ट्री में मिला था 1911 में, ठीक है, और इनकी डेथ भी किसके कारण हुई थी, रेडियम की वजह से ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेसिकली फोटो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है विक्टर फ्रांसिस हेस, इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद आर ए मिलिकन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। उसके बाद है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड वही थे जिन्होंने डेल्टन की थ्योरी को बिल्कुल बुरी तरह से फेल कर दिया था, और उनकी थ्योरी का क्या था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, गॉट इट। उसके बाद नील्स बोर, ये जो फिजिक्स, जो साइंस के बच्चे हैं वो इन पर्सन को अच्छे से जानते होंगे, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत इनकी थ्योरी का यूज़ होता है नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। सी वी रमन, ये इन्होंने सी वी एक रमन इफेक्ट दिया था 1928 में, इनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ बाई मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है रमन इफेक्ट को। एंड वन मोर थिंग, इनको भी नोबल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, ठीक है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद भारत को भी याद आया कि एक पर्सन है जिन्होंने बहुत अच्छे से फिजिक्स में अपना योगदान दिया और फिजिक्स में नोबल पुरस्कार मिला इनको 1930 में, तो हमें भी भारत रत्न देना चाहिए, ठीक है। तो भारत की सरकार ने भी इनको भारत रत्न से नवाजा। उसके बाद नेक्स्ट है लुईस विक्टर। लुईस विक्टर ने वेव नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी दी। उसके बाद एम एन साहा, इन्होंने थर्मल आयनाइजेशन की थ्योरी दी। उसके बाद एस एन बोस, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी दी। फिर हैं आपके वर्नर हिंजनबर्ग, इन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की थ्योरी दी, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बच जाते हैं, जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रन की थ्योरी दी। आपको पता है न्यूट्रन हैज़ नो चार्ज, ये न्यूक्लियस के अंडर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसका मास होता है, ये चीज़ याद रखना। वो मैं आपको केमिस्ट्री में अच्छे से समझाऊँगा कि इसमें चार्ज क्यों नहीं होता और इसका मास क्या होता है, वो उसके लिए टेंशन लेना मत लीजिए। नेक्स्ट है आपका होमी जहांगीर बाबा, कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। चंद्रशेखर, इन्होंने स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, इसकी थ्योरी दी थी। और उसके बाद जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर्स, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी बेसिकली आज की डेट में डिजिटल जितनी भी आजकल आपको पता है कि सारा का सारा एनालॉग से डिजिटल शिफ्ट हो गया, तो डिजिटल जो सारा शिफ्ट हुआ है वो बेसिकली वो वर्क करता है सेमीकंडक्टर पे, है ना। सेमीकंडक्टर, और आपको पता होगा जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसने बहुत ही तगड़ा रिफॉर्मेशन किया था जब ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था, ठीक है। आजकल तो ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं होता, आजकल तो चिप्स का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक ऐसे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिनका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर बेसिकली किस लिए होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्सेलरेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। ये तो मोस्ट कॉमन सा है। एमीटर के किस लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। उसके बाद आपका हीमोग्राफ है, ये प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ वेंट को मेज़र करने के लिए। बैरोग्राफ, ये भी बेसिक सा ही है, एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और ये तो बहुत ही बेसिक है। कार्डियोग्राफ, जिसमें हम रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट बीट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं कार्डियोग्राफ, जो ECG वगैरह होती है वो बेसिकली कार्डियोग्राफ से होती है। डायनेमो, डायनेमो एक ऐसी मशीन होती है जो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, मशीन फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मोटिव पावर, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस को, ठीक है। उसके बाद आपका पेडियोस्कोप, पेडियोस्कोप होता है द फॉर प्रोजेक्टिंग फिल्म एज वेल एज इमेज ऑफ ओपेक आर्टिकल्स ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन पर आपकी ओपेक इमेज बनती है वो बेसिकली किसे हम उसको मतलब मेजर करते हैं, पेडियोस्कोप से, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैथोमीटर। फैथोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डेप्थ ऑफ ओशन, मतलब ओशन की डेप्थ को मेज़र करने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जो हमारी एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है वो हम किसे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर सॉरी। उसके बाद लैक्टोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अगर हम मिल्क की प्योरिफिकेशन को जांचना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर का। उसके बाद लेज़र, लेज़र आपको पता ही है, हमें अगर एक ऐसी डिवाइस का यूज़ करना है जो काफ़ी दूर डिस्टेंस तक कवर करे और हमारा सिग्नल भेज दे तो हम किसका यूज़ करते हैं, लेज़र का। उसके बाद मैग्नेटो, मैग्नेटो बेसिकली पार्ट ऑफ मोटर कार्ड क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद मैं बात करूँ पायरोमीटर की, पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए काम आता है,
और उसके बाद सिस्मोग्राफ बेसिकली किस लिए होता है, अर्थक्वेक मेज़र करने के लिए, ठीक है। स्टेटोस्कोप ये आजकल डॉक्टर लगा के रखते हैं अपने गर्दन पे टांग लेते हैं, मतलब बेसिकली, और स्टेटोस्कोप से हम हार्ट बीट को चेक करा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पीडोमीटर, ये स्पीड चेक करने के लिए आता है। आपने देखा होगा जो पुलिस होती है वो हाईवे पे खड़ी खड़ी होती है कि एक कार की स्पीड को नॉर्मली ही चलाएं, अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तो आपका चालान कट जाता है ना, तो वो बेसिकली जो स्पीड होती है कार की वो इसी से ही मेज़र की जाती है, स्पीडोमीटर से, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर, ये बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम टेम्परेचर को मापते हैं। उसके बाद है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और गीज़र में यूज़ होते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को अप डाउन करते हैं, मतलब वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए काम आता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद वाट मीटर है, वाट मीटर बेसिकली पावर को मेज़र करने के लिए काम आता है। और वेव मीटर आपका काम आता है वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स को मेज़र करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम फिजिक्स का जो बिल्कुल बेस चैप्टर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम आज जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। द क्वांटिटी विच कैन डिफाइंड एंड मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो मतलब बेसिकली डिफाइंड करें और मेज़र करें किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे फोर्स है, फोर्स, डिस्टेंस, टाइम। और उस अगर मैं बात करूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी मेजरमेंट किस तरह से होती है, देखिए दो पैरामीटर होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, जो बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आपने यूनिट को सिलेक्ट किया। जैसे कि मैं बात करूं फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, तो यहाँ पर आपने 15 टाइम्स, ये तो क्या होगी, यूनिट होगी, ठीक है। और ये क्या है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें आपने कितनी बार यूज़ किया इसका, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिट क्या होती है, जैसे आप बात करें कि लेंथ की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, मतलब जो बेसिकली इंडिपेंडेंट अपना नेचर बताए, ठीक है। और ये जो यूनिट का पार्ट था, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि आपका हर एक चीज़ की अलग से यूनिट डिस्क्राइब की गई है। वैसे तो जो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट था वो काफ़ी मतलब तरह से बताया गया, जैसे कि CGS मेथड था, उसके बाद FPS था, फिर आपका MKS था, लेकिन जो हमने एक सभी देश उसको फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसको बेसिकली सभी देशों ने अपनाया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, और उसके बाद से सभी की सभी देश इस SI यूनिट को फॉलो करते हैं, ठीक है। और SI यूनिट होती क्या है, देखिए ध्यान से, जैसे लेंथ है, लेंथ को हम यूनिट क्या है उसकी, मीटर, ठीक है। और यूनिट सिंबल क्या है, एम। अगर मैं वैसे बात करूँ लेंथ का वैसे सिंबल क्या है, एल। ऐसी मास का वैसे सिंबल क्या है, एम, लेकिन उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, केजी, ठीक है। टाइम सेकेंड, और सिंबल क्या है टाइम का, टी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये इसकी यूनिट है, एम्पियर को इस तरह से लिखा जाता है, और आई करंट, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में या फिर सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, या फारेनहाइट। उसके बाद केल्विन की जो बेसिकली केल्विन का सिंबल है के, और टाइम का सिंबल है टी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसको इस तरह से लिखा जाता है, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और मोल को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट है, जैसे एंगल, एंगल की जो यूनिट होती है, रेडियन, रेडियन को मीटर, या फिर हम लिखते हैं सिंबॉलिक होता है इसका रेडियन। उसके बाद सॉलिड एंगल का है स्टेडियन, और इसको हम SR से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है कुछ एक इम्पॉर्टेंट ड्राइव यूनिट्स, जैसे कि एरिया। एरिया क्या होता है, स्क्वेयर ऑफ द लेंथ, ठीक है। आप मतलब मीटर स्क्वेयर, ठीक है, लेंथ की क्या थी, मीटर थी ना, तो हमने मीटर का स्क्वेयर कर दिया। उसके बाद स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वैसे बेसिकली स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, यहाँ समझ लीजिए। देखिए दो तरह की क्वांटिटी होती है आपकी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। स्केलर में क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है।
मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता, लेकिन वेक्टर में आपकी डायरेक्शन भी गिवन होता है और मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपको एक अपने दोस्त के घर जाना है, दोस्त का नाम है बी और आपका नाम है ए, ठीक है। तो आप कोई भी रूट फॉलो कर रहे हो, आपका कोई भी पर्टिकुलर रूट नहीं है। मान लीजिए आपने ये रूट फॉलो करा, ये रूट फॉलो करा, ये रूट फॉलो करा, या आपने किसी दोस्त को उठाया और वहाँ से ये रूट फॉलो करा, मतलब आपके पास ये तो पता है कि आपको ये तो पता है जाना कहाँ है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सा रूट फॉलो करना है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, और ए और बी के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी गिवन है और मैग्नीट्यूड भी गिवन है, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करा जाता है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन सिर्फ होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब आपको नहीं पता होता आपने कौन से पाथ को फॉलो करना है, ये एग्जांपल हो जाएगा आपका डिस्टेंस का, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस के बाद आपका स्पीड, और इधर अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या है, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। सम प्रैक्टिकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन सी है हमारी, जैसे कि वन लाइट ईयर, वन लाइट ईयर को हम किस तरह से लिखते हैं, 9.46 × 10^15, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.5 × 10^11 मीटर, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हमारा जो अर्थ है वो सन से अगर दूर होगा उसको क्या कहा जाएगा, पास होगा तो क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, अगर अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम दूरी होगी तो उसको क्या कहा जाता है, मिनिमम दूरी होगी तो उसको क्या कहा जाता है। मैंने ज्योग्राफी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है इसको, ठीक है, तो आप वो वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वन परसेक, परसेक बेसिकली इसके कुल होता है 3.084 × 10^16, और बेसिकली ये बहुत ही लास्ट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए काम आता है, लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम से भी आउटसाइड हमें कुछ किसी की मतलब बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम यूज़ करते हैं पारसेक यूनिट का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉटिकल माइल की। नॉटिकल माइल बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूज़ किया जाता है हमारा, इसकी जो लेंथ होती है, यहाँ गलत लिखी हुई है, 1 नहीं है, 1, और अगर मैं मीटर में बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी 52 meters, ठीक है। ये बेसिकली इसको 1 ऑफ लेटीट्यूड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ऑफ लेटीट्यूड। उसके बाद मैं बात करूँ 1 की, माइक्रोमीटर बेसिकली टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ किया गया माइक्रोमीटर का। उसके बाद एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है, साइज ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, इसके लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ किया जाता है। और सब प्रैक्टिकल यूनिट्स जो मास की हैं, क्वांटल, मेट्रिक टन, उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट, पाउंड, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। और ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे 10^24 अगर 24 है तो उसको क्या कहा जाता है, योटा, सिंबलाइज क्या है, वाई, 10^21 है तो जेटा, जेड, 18 है हेक्सा, ई, 15 है पेटा, 12 है टेरा, 9 है गीगा, 6 है मेगा, 3 है किलो, 2 है हेक्टो, 1 है डेका। अब ये थी पॉजिटिव में, अगर मैं बात करूँ माइनस में पावर होगा 10 की, तो डेसी, -2 हो तो सेंटी, -3 हो तो मिली, -6 हो तो माइक्रो, -9 हो नैनो, -12 हो तो पिको, 15 हो तो फेमटो, -18 हो तो एटो, -21 हो तो जेप्टो, एंड -24 हो तो योटा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जो ये सिंबल आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा मतलब कैपिटल में लिख रखा है, कौन सा कैपिटल में नहीं लिख रखा, ठीक है। उसके बाद कुछ और सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स देख लेते हैं, जैसे 1 ये 6 feet, और 1 10^-15, सॉलिड मास 2 × 10^30 kg। उसके बाद कुछ फिजिकल क्वान्टिटीज़ जैसे एरिया, वॉल्यूम, जो आप बेसिकली यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक टर्म है मोमेंटम और इम्पल्स। तो बेसिकली जो ये मोमेंटम और इम्पल्स होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में,
ठीक है, जब मैं आपको न्यूटन के लॉ करवाऊंगा तो आपको ये टर्म्स बेसिकली यूज होंगी। इंपल्स बता देता हूँ, मे बी रेफर टू फिजिक्स मैकेनिज्म समथिंग डेट चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इंटीग्रल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जो मोमेंटम होता है, अगर मैं बात करूँ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, गाड़ी खड़ी है और पीछे से आकर एक गाड़ी ने उसको टक्कर लगाई, तो जो मोमेंटम होगा, जो गाड़ी ने टक्कर लगाई उसका मोमेंटम, जो खड़ी हुई है गाड़ी उसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम। बाकी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ न्यूटन्स लॉ में मोमेंटम के, बहुत अच्छे से एग्जांपल लेंगे आपके आपके लिए। अच्छा वन मोर थिंग, जो भी आपको डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। एंड सेकेंडली, जो भी इसकी PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। एंड अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, थ्योरेटिकल तो आपको नोट्स मिल ही रहे हैं। सेकेंडली, आपकी जो हमने 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो वो सीरीज़ आपके लिए एक मतलब क्विक रिवीजन है पेपर के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में।